बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी तो कोई माँ बेटे की पार्टी है, बहन की भी होगी, माँ बेटे बहन की पार्टी हो गई, कोई बाप बेटे की पार्टी है, कोई मायावती जी की पार्टी है, कोई ममता जी की पार्टी है, सब ये केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और आज हम कार्यालय का उद्घाटन सभी हमारे शिष्य नेतृत्व के सानिध्य में हमारा यहाँ कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी, हमारा एक ही लक्ष्य है इस देश को परम वैभव पर पहुँचाना। भारतीय जनता पार्टी है जो भारत माता की जय बोलती है और फिर पार्टी की जय बोलती है। हमारा पहला लक्ष्य है, पार्टी बाद में है, पहला देश है। देश सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित होंगे। और हमें खुशी है कि हमारा ऐसा नेता है जो हमारे देश का नहीं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, नरेंद्र भाई मोदी जी। उनके नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, परम वैभव पर पहुँचेगा, सुरक्षित राष्ट्र बनेगा, समृद्ध राष्ट्र बनेगा। और इसके लिए सारी जनता, सारे कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक सब एकजुट है। अच्छा, चुनावी रणनीति किस तरह की रहेगी? देखो, चुनावी रणनीति हमारा बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता बैठा है वो पूरी रणनीति बनाए हुए है। और मैं आपको बता दूं, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। मैं तो कहूँ बार बार मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। और 350 से प्लस भारतीय जनता पार्टी की खुद की स्वयं की सीटें आएगी और सरस गठबंधन हमारा मिलाकर 400 से ऊपर आएगा और हमारा देश बहुत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तुरंत जल्दी से पहुंचने वाला है। मैं तो ये दुख के साथ कह सकता हूं, इस कांग्रेस की सरकार ने, इस यूपीए की सरकार ने इस देश को, इस जनता को ठगा है, बहुत ठगा है और इस देश को गर्त में पहुंचा दिया। आज बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी, इसकी यदि कोई देन है तो ये कांग्रेस है। झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती जाती है। अरे थोड़े से और नहीं तो ऊपर वाले से तो डरो, ईश्वर से तो डरो, इतना भी नहीं डरते हैं। धारा 124 क्या है? हटा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? इस देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, ये अवतार के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश में आए हैं और इस देश को सर्वशक्तिशाली राष्ट्र और इस देश को सिरमौर बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता है, वो इतना खुद्दार है, स्वाभिमानी है, ईमानदार है। इनके झुंझुनू वाले की, इन नोटों की कोई यह वक्त नहीं होगी और एक दिन मुँह खिखा के वो जाएंगे और कमल का फूल खिलेगा।